नंबर 125, पेज नंबर 125, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस पेज में सबसे पहले एक फन एक्टिविटी दी गई है, तो उस फन एक्टिविटी को आप लोग फिल कर लीजिएगा, जिसमें रेड आई टूल के स्टेप्स लिखने हैं। तो ये उसी के जस्ट ऊपर लिखे हुए हैं, पेज नंबर 125 में सबसे ऊपर उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं रेड आई टूल के। तो वो दोनों आपको इस फन एक्टिविटी में लिखने हैं। अब नीचे आते हैं हम पेंटिंग टूल की तरफ। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं, ये इसका आइकन है। तो फोटोशॉप यहाँ पर ओपन हो चुका है, इसमें कुछ फोटोग्राफ दिख रहे हैं जिसको हम रिसेंटली एडिट कर चुके हैं। तो इनमें से कोई भी हम एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम ये पहली वाली पिक्चर को हमने सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद हमें पेंटिंग टूल्स के बारे में जानना है, ये पेंटिंग टूल्स क्या होते हैं। तो आप सभी एमएस पेंट चला चुके होंगे, तो एमएस पेंट के सभी फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है, कोई भी कलर वगैरह चेंज करने में या पेंटिंग जैसा कोई भी काम करने में होता है इसका यूज। ओके, तो पहला टूल है इसका ब्रश टूल। ब्रश टूल आप सब जानते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं पिक्चर को। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जूम हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर नॉर्मल रहने देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो अब क्या करना है हमें कि हमें उस सबसे पहले ब्रश टूल की तरफ जाना है। तो ब्रश टूल आपको पता है, उसका आइकन भी ब्रश के जैसा होता है। तो ये है हमारा यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। पहले कलर रिप्लेसमेंट टूल दिखा रहा है यहाँ पे, अगर नहीं मिलता है हमें तो कोई बात ही नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको सर्च कर लेंगे। हमें लिखना है यहाँ पे ब्रश, BRUSH। तो ब्रश टूल ये आ गया, आप कहीं भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्रश टूल आ चुका है। अब यहाँ से ऊपर यहाँ तीन चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रश का जो स्टाइल है वो हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, किस कई तरह के यहाँ पर ब्रश अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल ब्रश पर जब हम जाएंगे तो नॉर्मल जो ब्रश होते हैं उसके शेप दिखाई देंगे हमें। उसके बाद ड्राई मीडिया ब्रश की बात करेंगे तो यहाँ ड्राई जो पेंट वाल होता है वैसे हमें इसमें यहाँ पर कई तरह के ब्रश मिल जाएंगे, ड्राई होते हैं जो। ठीक है, वेट वेट ब्रश जो यहाँ होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कुछ। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट ब्रश कुछ नीचे की तरफ दिए गए हैं, ये थोड़े से अलग हैं। ठीक है, स्पेशल ब्रश होते हैं, तो कई तरह के हैं, जो हमें अच्छा लगे उसको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम सेकंड वाला लेते हैं, तो इसको हमने क्लिक कर लिया। अब इसकी ब्रश की साइज हमें यहाँ से सेट करनी पड़ेगी, तो इसकी साइज देखिए इतना सर्कल आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये तो इसके हिसाब से हमें साइज बढ़ानी, इतना काफी है। ठीक है, उसकी हार्डनेस यानी कि कलर जो है बहुत ही हार्ड आना चाहिए, डार्क कलर आना चाहिए, उसकी हार्डनेस हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली हमें क्लिक करना है। जब हम माउस को ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये पेंट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जैसे अब मुझे यहाँ पेंट करना है तो इसका कलर जो है बालों पर भी आ गया है, देखिए है ना। तो इस तरीके की पेंटिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कई जगह यूजफुल भी होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे किसी शेप शेप वगैरह में हमें पेंटिंग करनी है तो वहाँ इजीली हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ हम पेंटिंग करना चाहते हैं और वहाँ पे हमें बहुत ही सावधानी से करना है, तो वहाँ पे इस तरीके की पेंटिंग और ये पेंट टूल यूज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो पेंट टूल आप लोग समझते ही हैं। अब नेक्स्ट टूल की अगर हम बात करें तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टूल है आपका कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये सभी पेंटिंग टूल्स ही हैं, कलर रिप्लेसमेंट टूल
इसी में होता है। अगर हम इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो यहीं पे देखिए ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल भी यहीं पे है। तो इसको जैसे हमने क्लिक किया तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा उससे इजी होता है। देखिए जैसे अगर हमें यहाँ कलर फिल करना है तो देखिए ये सिर्फ उसी कलर को फिल करेगा, वहीं पे फिल होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ तक है। देखिए यहाँ पे काफी हम सावधानी से इसको कर पा रहे हैं। देखिए देखिए इसमें कुछ ज्यादा कलर जो है वो दूसरे कलर पर ओवरराइट नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये सेंसिटिव चीजें हैं इसलिए ये यहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना होता है कि माउस को हमें हटाना नहीं पड़ता है, यानी कि इसका बटन नहीं छोड़ना पड़ता है। छोड़ देंगे तो देखिए कि उसका कलर जो है अलग अलग हो जाएगा वहां पे। देखिए इसमें काफी यहाँ पे माउस मुझसे छूट गया है इस वजह से। तो इसे हम काफी इजीली कर सकते हैं, पेंट टूल से आसानी से ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम तीसरे टूल की बात करेंगे जो कि ये भी पेंटिंग टूल है। ये होता है पेंट बकेट टूल। ये काफी ऑटोमेटिक होता है, एडवांस टूल है। तो पेंट बकेट टूल अगर हम यूज करेंगे तो पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है। तो अगर हमें पेंट बकेट टूल यूज करना है तो हम यहाँ लग देंगे पेंट, और जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो एक सेकेंड अभी नहीं आया, तो बकेट लग देते हैं। पेंट बकेट टूल ही आ गया। देखिए इस पर हमने क्लिक किया और देखिए कोई भी टूल हो हम कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमें सपोज ग्रीन कलर चाहिए तो हम ग्रीन भी यहाँ से, कलर का पैलेट यहाँ राइट साइड में होता है, यहाँ से कलर हम सबके लिए चूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका ब्रश टूल हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट टूल हो, या फिर वो पेंट बकेट टूल। यहाँ से हमने कलर ग्रीन पिक किया और यहाँ हमने क्लिक किया तो देखेंगे कि वो एक ही क्लिक में वो सारा कलर चेंज हो गया है। काफी एडवांस टूल है, पूरा उसका जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो गया है सब। ठीक है, तो चलिए एक बार हम वापस कर लेते हैं इसको रिवर्ट, कैसा था ग्रीन हो चुका है। अब जैसे हमें शर्ट वास्क करना है तो हमने जिस कलर पे हम करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा पेंट बकेट टूल से। ठीक है, और जैसे हमें बैकग्राउंड को करना है रेड तो रेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फोटो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इस फोटो की क्वालिटी थोड़ी सी वीक है, इस वजह से इसमें पिक्सल्स थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल में क्या होता है, देखिए अब हम इस फोटो को हटा देते हैं यहाँ से, सेव के बाद नो करेंगे इस पर। चलिए हमने ये फोटो लिया चिड़िया जिसमें उड़ रही थी वाला। ठीक है, अब इसमें ग्रेडियंट टूल हम अप्लाई करेंगे। तो ग्रेडियंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम यहाँ, हमें टूल नहीं मिल रहा है सब कुछ, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे GRAD, ग्रेडियंट टूल ये आ गया। देखिए इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ ऊपर की तरफ कई सारी सेटिंग्स खुल जाती हैं। तो जैसे ये ऊपर है सर्कुलर रेनबो, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से हम कलर की डिजाइन चूज कर सकते हैं कि हमें जो ग्रेडियंट है वो किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे हमने ये चूज किया और इसके बाद इसके कई तरह की ग्रेडियंट्स है। जैसे हमें सेंटर ग्रेडियंट यूज करना है तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से इनको हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे इस साइड व्हाइट है और बाकी यहाँ पे ब्लू होता गया है, डार्क ब्लू हो गया है। ठीक है ना, जैसे हमने ये वाला यूज किया होता तो ये कुछ इस तरीके से आता। अगर हम इसको यूज करेंगे तो देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आता है। तो जैसे इसमें बने हुए हैं वैसे ही ग्रेडियंट अप्लाई होगा। ठीक है, जिस साइड को खींचेंगे, जैसे हमने राइट से माउस लिया और लेफ्ट की तरफ खींचा तो ऐसे आएगा, लेकिन लेफ्ट से हमने राइट की तरफ माउस खींचा तो ग्रेडियंट ऐसा आएगा। कलर हमें चूज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से इसको हम पकड़ेंगे, कलर हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको फिर से राइट से लेफ्ट खींच देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप ऑफ कलर। तो
जहाँ कलर धीमे धीमे चेंज होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ये देखिए रेडियल है, बीच में अलग कलर है, राइट लेफ्ट अप डाउन डाउन अलग कलर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में बाद में बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम आपको आज सेंड करेंगे, तो आप लोग लिख लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस।